तो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा 22 फरवरी को। इस वीडियो में लेकर आए पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम इलेवन टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम इलेवन टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बताना चाहते हैं क्रिकेट बैटिंग टिप्स के लिए संपर्क कीजिए सीबीटी आर्या जे है, नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर 7491928134। यहां पर आपको मिलेगी 100% फिक्स रिपोर्ट, टॉस, मैच और सेशन प्रेडिक्शन। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। तो ये मुकाबला खेला जाएगा 22 फरवरी को और ये मुकाबला खेला जाएगा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो स्टेडियम में और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार सुबह 9:45 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे 60 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 23 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और 30 मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती। 7 मुकाबले बेनतीजा रहे थे। श्रीलंका ने यहाँ पर 39 ओडीआई मुकाबले खेले हैं जिसमें से 23 मुकाबले जीते हैं, 11 मुकाबले हारे हैं और 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने इस ग्राउंड पे 7 ओडीआई मुकाबले खेले हैं जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और अगर बात करें पीएस बनाम स्पिन की तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 406 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 37.7, इकोनॉमी रेट 4.61। स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 291 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 43.3, इकोनॉमी रेट 4.42। तो यहां पर अगर देखें तो विकेटें बहुत ज़्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने स्पिनर गेंदबाजों की बजाय, और स्ट्राइक रेट के मामले में भी तेज गेंदबाज बेहतर है, इकोनॉमी रेट के मामले में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है 220 रन। सबसे बड़ा स्कोर बना 343 रन। सबसे कम स्कोर बना जहाँ पर 212 रन। सबसे बड़ा चेस हुआ 281 रन। सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 308 रन। और अगर बात करें यहाँ पर बाउंड्रीज के बारे में तो स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 68 यार्ड की और साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 76 यार्ड की। और अब यहाँ पर मौसम के बारे में बात करते हैं तो मैच के दिन मौसम रहेगा 32 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा और 60% बारिश होने की शंका है। और अब आपको दिखाते हैं श्रीलंका टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दिमुद क्रून रत्न है कप्तान और कौशल परेरा है विकेटकीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं वेस्ट इंडीज टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हैं शी होप है विकेटकीपर और कैरन प्लाड है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं श्रीलंका के बेस्ट बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मुकाबलों में। अविष्का फर्नांडो इन्होंने 104 रन बनाए, एवरेज 104.0। कौशल परेरा इन्होंने 64 रन बनाए, एवरेज 64.0। कौशल मेंडिस इन्होंने 39 रन बनाए, एवरेज 39.0। और अब आपको दिखाते हैं वेस्ट इंडीज के बेस्ट बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मुकाबलों में। निकलस पूरन इन्होंने 118 रन बनाए, एवरेज 118.0। जेसन होल्डर इन्होंने 26 रन बनाए, एवरेज 26.0। और अब आपको दिखाते हैं श्रीलंका के बेस्ट गेंदबाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई मुकाबलों में। नूबन प्रदीप इन्होंने 3 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 40.0। एंजेलो मैथ्यूज इन्होंने 1 विकेट चटकाया, स्ट्राइक रेट 12.0। और अब आपको दिखाते हैं वेस्ट इंडीज के बेस्ट गेंदबाज श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मुकाबलों में। जेसन होल्डर इन्होंने 7 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 24.0। फैबियन एलन इन्होंने 1 विकेट चटकाया, स्ट्राइक रेट 48.0। तो ये थे श्रीलंका के वेस्ट इंडीज के एक दूसरी टीम के खिलाफ बेस्ट गेंदबाज ओडीआई मुकाबलों में और उसके साथ में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के एक दूसरी टीम के खिलाफ बेस्ट बल्लेबाज ओडीआई मुकाबलों में आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब आ रही है मैच प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है ये मुकाबला श्रीलंका जीतेगा। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।